भारत एक उभरती हुई शक्ति है, पर भारत का एक राज्य ऐसा भी है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई, तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या यह चीज अच्छी थी या बुरी, आइए आज हम इस वीडियो में पता करते हैं। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाई गई है, तब से विपक्ष यह बात को लेकर के हमेशा हलचल बनाए रखता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा खतरा हो गया है, अर्थात जम्मू कश्मीर गर्त में जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि 370 धारा है क्या। दरअसल 370 आर्टिकल के मुताबिक जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल अधिकार मिले थे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का झंडा अलग रख सकता है, संविधान भी उसका अलग था, दोहरी नागरिकता थी, अर्थात वह जम्मू कश्मीर के मेंबर और भारत का मेंबर भी है, और इसके तहत कोई भी भारत या कहीं और का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता था। जब बीजेपी की सरकार आई 2019 में, तो यह इसको हटा दिया गया, और इसके हटाने से क्या फायदे और क्या नुकसान हुए, आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दरअसल जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई, उसके दो दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से सभी लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा बाहर जाने का आदेश दे दिया गया था, और वहां के नेटवर्क और इंटरनेट बंद कर दिए गए थे जिनसे वहां दंगा ना हो, और फिर वहां से फाइनली 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से वहां के लोगों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि वहां के जब लोग चले गए, अगल बगल के राज्य के लोग, तो वहां एक नौकरी की कमी भी देखी गई और 4,90,000 नौकरियां भी चली गई। 370 धारा हटने के बाद 541 आतंकी घटना हुई है, जिसमें से 439 आतंकी मारे गए, 98 आम नागरिकों को नुकसान हुआ और 109 हमारे वीर जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा ही राज्य हो गया है जैसे देश के बाकी सब राज्य। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद 28,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, और अरब की 3 कंपनियां भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई। अभी 2022 में अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के जम्मू कश्मीर के सारे होटल खुले थे, अर्थात जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बहुत बढ़ा है और जम्मू कश्मीर में ज्यादा सुरक्षा प्रदान हुई है। जम्मू कश्मीर जहां आतंकी पत्थरबाजी करते ही रहते थे, वहां आपको बता दें कि 2017 में लगभग 2,000 आतंकी घटना पत्थरबाजी की हुई थी, 2018 में 1,500 के करीब, 2019 में फिर 2,000 घटना हुई थी। वहीं जब 370 धारा हटा दी गई, तो यह घटना 255 बची, अर्थात 90% आतंकी हमले में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के विकास में 370 का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत के लगभग 34 लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी जमीन लिए हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ज्यादा अच्छा था या 370 लगने था। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।